हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 25 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसमें एक न्यूज़ हम ब्रीफ में यहाँ पर कवर करेंगे। रिसेंट में आप सबको बता हुआ बिहार के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हुए, नीतीश कुमार फिर से एक तरीके से री इलेक्ट हुए हैं बिहार के सीएम। और इसके बाद सीएम बनने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है हाउस के अंदर या असेंबली के अंदर। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने असेंबली के अंदर एक तरीके से अपनी मेजोरिटी प्रूव करी। इसके अलावा क्योंकि वहां पर स्पीकर के इलेक्शन को लेकर भी अगर मान लेते हैं कि उनका अलायंस पहले बीजेपी के साथ था, अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो उसको सबसे पहले या तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, अगर वो रिज़ाइन नहीं करता तो फिर उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और पास होने के बाद उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, ओपोजिशन मेंबर्स वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है कि हाउस से बाहर चले गए हैं और उन्होंने किसी प्रोसीजर के अंदर या वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया है, या इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हैं। वॉकआउट का मतलब सिंपली होता है कि वो बाहर चले गए सदन से। तो ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं फ्रंट पेज पे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और दोनों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है 2013 के वर्डिक्ट जो पोल प्रोमिसज को लेकर, यानी 2013 में जो वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन को लेकर जो प्रोमिस की जाते उसको लेकर रिविजिट करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। और मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर को चेंज करना है तो हमेशा लार्जर बेंच के थ्रू ही चेंज होगा। मान लेते हैं ये 2013 में जजमेंट आई 3 जजेज बेंच की, तो अब नेक्स्ट जो होगी वो मिनिमम 5 जजेज होनी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि जो पार्टी है वो लाइबिलिटी से नहीं बच सकती है। पूरा का पूरा बेसिकली केस क्या है इसको हम समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया कि 2013 के अंदर 3 जज बेंच होती है। जनरली आप देखेंगे ओड नंबर के अंदर बेंच बनाई जाती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये जजेज है। 13 बहुत हाईएस्ट जजेज की बेंच होती है जो एक बहुत ही सीरियस और बड़े केस को लेकर डिस्कस करती है। ओड नंबर में इसलिए ताकि एक क्लियर कट मेजोरिटी आ जाए, है ना, ये इसलिए बनाई जाती है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रॉमिस करती इलेक्शन से पहले कि मान लेते यहाँ पर एग्जांपल दिया गया तमिलनाडु का, कि भाई तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने प्रॉमिस किया कि हम अगर जीत जाते हैं तो हम लोग पुअर हाउसहोल्ड को कलर टेलीविजन सेट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर है। सर, जो डीएमके पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है और ये इंडिविजुअल कैंडिडेट के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ना कि पूरी पार्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि एक केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फ्री वाइज को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया गया कि एक पार्टी और एक कैंडिडेट जो है वो डाइकोटमी नहीं है, यानी एक तरीके से आप बच नहीं सकते, दोनों कनेक्टेड है। एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर सिंबल पर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो डिफरेंट कैसे हो जाएगा, कैंडिडेट तो आपका ही है, तो आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। और एक कैंडिडेट अगर प्रोमिस करता है तो उसमें पार्टी का भी एक तरीके से लेना देना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इरेशनल फ्री वाइज को लेकर केस सुन रही है, हियरिंग हो रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में एक इम्पॉर्टेंट जो केस होगा इसको लेकर भी, यानी पोल वर्डिक्ट को लेकर फ्री वाइज और वेलफेयर स्टेट के बीच में जो डिबेट है उसमें कई सारी चीज़ें, या सुप्रीम कोर्ट अपने जो हिस्टोरिकल जजमेंट रहे या पुरानी एक तरीके से जजमेंट रही उनको रिविजिट कर सकती है। इसके अलावा राइट हैंड साइड में एक न्यूज़ है, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर भी एक पिटीशन फाइल करी गई है। बेसिकली 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर। 2002 में कानून बना था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बेसिकली, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ मनी होता है वो एक इलीगल तरीके से हो सकता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इस तरीके से होता है, और उसको काउंटर करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था, उसी के अंदर अमेंडमेंट किए गए। इसको लेकर पूरी पावर जाती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2-3 इंपॉर्टेंट कानून को लेकर एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करती है। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसको काउंटर करती है। पहला अगर हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। इसके अलावा फगेटिव ऑफेंडर है, यानी जो आर्थिक रूप से जो क्राइम करते हैं, ऑफेंडर्स का मतलब भगोड़ा, जैसे विजय माल्या आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, तो इस तरह केसेज को एनालिसिस करती है। यहाँ पर एक रिव्यू पिटिशन डाली गई है, 27 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें अपहेल्ड किया गया था कि जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक हीनियस क्राइम है, यानी एक तरीके से सीरियस क्राइम है, और जैसे टेररिज्म एक सीरियस क्राइम है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती है। इसी चीज़ को कांग्रेस के एमपी है कार्ति चिदंबरम, इन्होंने चैलेंज किया कि भाई रिविजिट की जाए इस जजमेंट को, क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अनब्रिडल्ड पावर देता है, इन बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, और एक तरीके से समन करने, अरेस्ट करने, सर्च करने या फिर बेल को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। इनके अलावा टॉप कोर्ट ने एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ये बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के परस्पेक्टिव में, और पॉलिटिशियन और डिसेंटर, ऐसा नहीं कि भाई इसके थ्रू आप बच सकते हैं, या अगर कोई इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो आपको कोई सुरक्षा मिलेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही सीरियस क्राइम है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, ये एजेंसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इसको लेकर कई सारे क्वेश्चन भी रेज किए जाते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, खैर वो एक अलग इशू है। क्वेश्चन ये है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये आपके आपको नीचे कमेंट करना है। इसके बाद हम जाएंगे सीधा पेज नंबर 5 पे, जो साउथ यहाँ पर मेंशन किया गया, लेकिन वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा के बारे में, और उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है अंगुल करके, यहाँ पर एनालिसिस किया गया, एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। ये अंगुल इतना फेमस क्यों है, कितना इम्पोर्टेंट है, हमने शायद पहली बार सुना है, मैंने पर्सनली पहली बार सुना है, लेकिन इम्पोर्टेंट है अंगुल की। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे जो उड़ीसा में संबलपुर और कटक इनके ठीक बीच में आपको नज़र आएगा, ठीक तो नहीं लेकिन हाँ कटक के थोड़ा नज़दीक है भुवनेश्वर, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मैप के अकॉर्डिंग, हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा हो। इसके ऊपर जो है ब्राह्मणी रिवर है, और ये वाली रिवर आप देख रहे हैं महानदी रिवर है, ठीक है। अब ये अंगुल के अंदर रिसर्चर ने कहा कि भाई इसमें हमें एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी और इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन में एक इम्पोर्टेंट रोल हमारा, ये एक तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है देश में टोटल कोल प्रोडक्शन का 12% प्रोडक्शन केवल अकेली डिस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के लिए, और एक तरीके से जिसको बोला जाता है पावर ग्रेड कोल रिजर्व, यहाँ पर एग्जॉस्ट होने से पहले हमें एक पॉलिसी को इंडिकेट करना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली बेस्ड एक एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है। ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप, बेसिकली बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं जो दबाव बनाते हैं सरकार पे, जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप अलग अलग एरिया में हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेबर के प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, ये दबाव बनाते सरकार के ऊपर पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करने को लेकर। यहाँ पर ये बताया गया कि देश की जो सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग और की इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन और जब हम ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा देश के 12% और उड़ीसा का 56% जो कोल प्रोडक्शन होता है वो केवल इसी डिस्ट्रिक्ट से होता है। इसके अलावा ये बताया गया कि भाई तीन गुना ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन है कि अंगुल प्रोडक्शन करेगा। इनके बीच में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो माइन क्लोजर स्टार्ट होगा 2040 में, और लास्ट जो माइन होगी 2070 तक बंद होगी, और हमने नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर जो टारगेट रखा है कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन करेगा। इनके अलावा ये बताया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई जो 1.5 डिग्री सेल्सियस को तक हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमने कमिटमेंट किया, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और इसके लिए हमें 2050 तक फेज़ आउट करना पड़ेगा, उसको लेकर एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। इसके अलावा हमें, क्योंकि उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को लेकर, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेशन करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसको लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताएगी कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ, इंडस्ट्री
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन सब एरिया में हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें रिन्यूएबल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील हो, यूरिया प्रोडक्शन, ग्रीन एल्यूमिनियम जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, और एनफोर्स करें सर्कुलर इकोनॉमी को। ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि लैंड अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जा सकता है, हाई वैल्यू लैंड जो है उसको रीपर्पज किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रीन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स हो गया, या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फूड पार्क्स हो गया, फिशरीज एंड टूरिज्म सेक्टर हो गया, कोल माइन में रिफॉर्म करने के लिए हमें कोल माइन्स क्लोजर लॉज को और ज़्यादा रिफॉर्म करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री एंड लैंड लॉज के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ये जो वर्ड यूज़ किया गया सर्कुलर इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी को इस तरीके से सेट करना कि भाई उसका वेस्टेज यानी वेस्ट मिनिमम करना ही एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी, यानी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करना, जिसके अंदर शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग, यानी मैक्सिमम यूज़ करना है, और इसका टारगेट होता है कि वेस्ट को रिड्यूस करना है। और जब हम बात करते हैं कि इसमें जब ये एंड में पहुंचे तो बहुत ही कम वेस्ट हमें देखने को मिले, लीनियर इकोनॉमी के ठीक ऑपोजिट है। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, आप कोई चीज़ लीजिए, उसे कुछ चीज़ बनाइए, कंज्यूम करिए, और जो बच गया उसको थ्रू आउट कर दीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे कोई डिज़ाइन है, यहाँ पर प्रोडक्शन, रीमैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, यूज, रीयूज, रिपेयर, यानी मैक्सिमम यूज़ करना, और ये रेजिडुअल वेस्ट होगा वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है इन दोनों तरह के इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, दोनों तरह की इकोनॉमिक्स में। इसके बाद हम जाएंगे सीधा पेज नंबर 8 पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दी कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, और सेकंड है टोमेटो फ्लू, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रिसेंट में हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी कवर कर रहे हैं, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट्री पैनल ने जो बिग जाइंट कंपनी उनको नोटिस भेजा, उनको अपने ओपिनियन बताने के लिए बताया कि आप इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, और एक हेल्थी कंपटीशन देश के अंदर हो इसको कैसे बूस्टअप करेंगे, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। तो इस कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया कि इंडियन कंपटीशन एक्ट जो है 2002 के अंदर पास किया गया था, और ये 7 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। कंपटीशन कमीशन का प्राइमरी पर्पज़ ये था कि 3 इश्यूज़ पर, जिसमें एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिसेस जो मार्केट के अंदर होती है, जिसमें एंटी कंपिटेटिव एग्रीमेंट है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, और कम्बिनेशन, इन सब को के ऊपर नज़र रखना था। यह एक तरीके से प्राइमरी पर्पज़ भी ये रखा गया था कि इनको मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा आज के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट के अंदर डायनेमिक्स चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इसके अलावा लगातार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज हुई है, चाहे वो फैक्टर्स हो, प्राइसेस हो, और इस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करने, सस्टेन करने के लिए अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी हो गए थे। 2019 में एक रिव्यू कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट किया था, और लॉन्ग अवेटेड ये जो बिल है ये बेसिकली दो लोकसभा के अंदर टेबल किया गया, और अभी पार्लियामेंट्री पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट लगभग लगभग फाइनल कर ली इसको लेकर, और जल्द ही ये वापिस जब नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन होगा, जो विंटर सेशन हो उसके अंदर ये टेबल किया जा सकता है, या फिर आने वाले टाइम में जो बजट सेशन होने वाला है वहाँ पर भी टेबल किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मेजर चेंज जो है ये न्यू एज मार्केट कम्बिनेशन के हिसाब से क्या है। जब हम किसी कंपनी को किसी एक तरीके से हेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए एक्विजिशन करते हैं, मर्जर या एमलगमेशन, ये एक साइंस में इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन इसका भी मतलब होता है मिश्रण, समिश्रण करके, ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है कम्बिनेशन, है ना। इसके अलावा सेक्शन 5 जो है इसमें बताता है कि मर्जर, एक्विजिशन और एमलगमेशन जो है ये नोटिफाई किया जाता है कमीशन के द्वारा, और ये बेसिकली एसेट और टर्नओवर के बेसिस पर ही कम्बिनेशन के प्रोसेस को नोटिफाई किया जाता है। ये बिल जो है प्रपोज करता है एक डील वैल्यू थ्रेशोल्ड को, कि यानी अगर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू है इस पूरे डील के अंदर, या एक्विजिशन, मर्जर या एमलगमेशन के अंदर,
तब कैसे आपको एक तरीके से प्रोसेस को इंडिकेट करना है, और इसको लेकर सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर कमीशन डिसीजन लेता है। इनके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि एक रिव्यू मैकेनिज्म होगा स्ट्रेंथन करने के लिए इस चेंजेस को डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के मामले में। और मेजोरिटी में से अगर हम बात करते हैं, जो भी पहले होगा एसेट और टर्नओवर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से, ये एक इम्पोर्टेंट ज्यूडिशियल थ्रेशोल्ड के दायरे के अंदर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन चीज़ यहाँ पर है, इसमें प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीडअप कर दिया गया। पहले लगभग 210 दिन लग जाते थे किसी भी कम्बिनेशन को अप्रूव करने के लिए, अब उस प्रोसेस को स्पीडअप किया गया 150। अगर कंजर्वेटरी मान लेते हैं 30 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, राइट, लगभग लगभग 150 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, गन जंपिंग एक वर्ड यूज़ किया गया। गन जंपिंग का मतलब है कि भाई कोई पार्टी कोई ऐसे ही एक तरीके से एक्विजिशन कर ले, कमीशन को बताए ना, तो ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती, और इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 1% या तो एसेट टर्नओवर के, और अब इसको कर दिया गया डील वैल्यू के, यानी जितनी डील होगी उसका 1% पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आप बिना कमीशन के अप्रूवल के करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं पार्टीज़ के सामने ओपन मार्केट परचेज के मामले में, तो यहाँ पर एक तो डेफिनेट सी बात है गन जंपिंग केसेस भी अपने आप में चैलेंज है। इनके अलावा यहाँ पर एक्विजिशन अगर हम देखते हैं, ये आर्ग्यू किया जाता है कि भाई ये कंप्लीटली क्विकली होना चाहिए और ज़्यादा स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम पार्टी वेटिंग का जो कमीशन के द्वारा क्लियरेंस दी जाती है, इस टाइम तक जो वेटिंग होती है वो कई बार ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाती है, उसमें वो कहीं ना कहीं कंपिटिटिव ही नहीं रहती। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में जो मर्जर रेगुलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर बताया गया कि मार्केट परचेज स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन में एक तरीके से अगर हम बात करते तो वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आती है। भारत के अंदर भी अगर आप देखें किसी भी सब्जेक्ट की कंडीशन को कि एक्वायर करना है या नहीं करना है, उसको लेकर ओनरशिप राइट जब तक चेंज नहीं होगी, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर आप भले ही एक्विजिशन का प्रोसेस इंडिकेट करें, जब तक कमीशन नोटिफाई नहीं करेगा तब तक आपको ओनरशिप राइट या ट्रांजेक्शन या वोटिंग राइट ये सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं है। इसके अलावा एक बात बताएगी इसके अंदर कि अमेंडमेंट बिल एड्रेस करता है हब एंड स्पोक कार्टेल्स के बारे में। कार्टेल्स का मतलब होता है ग्रुपिज्म जैसे चीज़ें, हब एंड स्पोक अरेंजमेंट एक काइंड ऑफ कार्टेलाइजेशन होता है, और ये बेसिकली ऐसे प्लेयर जो इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कम्बैट करने के लिए इस तरह की चीज़ों को, जो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो गए उसको लेकर ये बिल डिस्कस करता है, और जो आइडेंटिकल करता है ट्रेड प्रैक्टिसेस को, या जो लोग इस तरह की एक्टिविटी के अंदर नहीं एंगेज है उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टर जनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये सेटलमेंट्स करने में या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ये एक लीड रोल प्ले करेंगे, और एक तरीके से यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं कि एक तो डीजी की पावर को यहाँ पर सस्टेंड कर दिया गया, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको 3 ईयर के अंदर अंदर आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एक तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस इन सब चीज़ों को या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते, पहले केस में 5 करोड़ पेनल्टी लगी, बाद में 10 करोड़ तक पेनल्टी लगेगी, आगे क्या अगर हम इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है बहुत सारे न्यू एज के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है और कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये रेगुलेशन, जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रपोजल को। और आज के टाइम पे जब हम मार्केट डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें अपने कानूनों को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट, तो उसको लेकर और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन या और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि मार्केट एफिलेटेड हम चेंज कर पाएँ, या जो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया टॉपिक वो है द टोमेटो फ्लू आउटब्रेक एंड द सेंटर्स एडवाइजरी। रिसेंट में भारत के कई राज्यों में जिसमें केरला, उड़ीसा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, इन स्टेट्स के अंदर देखने को मिला कि एक टोमेटो फ्लू आउटब्रेक हुआ है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी रिलीज की है। पहली बात, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या होता है टोमेटो फ्लू, और
बहुत सारे एक्सपर्ट जो है ये टोमेटो फ्लू ये जो वर्ड यूज़ किया गया इसके अगेंस्ट क्यों है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताया गया एक पेपर के अंदर लैंसेट जर्नल ने एक तरीके से कंसर्न रेज किए कि देश के अंदर एक न्यू वायरस जिसका नाम है टोमेटो फ्लू ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी जारी करी कि कैसे इसके स्प्रेड को रोके, कैसे मेजर ले स्टेट। इनके अलावा इस गाइडलाइंस के अंदर अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर किया कि डीजी जो है एक प्रोबेबल वेरिएंट हो सकता है, हैंड फुट और माउथ डिजीज जिसको HFMD करके भी बोला जाता है। इसके अलावा ये 10 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और देश के अंदर अब तक 100 ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें अगर हम बात करते हैं तो ये बताया गया कि ये हाईली कंटेजियस है यानी स्प्रेड हो सकता है, लेकिन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है यानी ऐसा नहीं कि आपको लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रीट हो जाएगा, लेकिन ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसी जो है वो हो सकते हैं। अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो ये अडल्ट के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, यानी मेनली टारगेट करता है ये अंडर 10 चाइल्ड को, और उसके बाद अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये अडल्ट के अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन लैंसेट की रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि लैंसेट में एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि देश के अंदर ट्रांसमिशन जो है वो हुआ है, या एक तरीके से केरला से स्टार्ट हुआ और अलग अलग देश के राज्यों के अंदर ये स्प्रेड हुआ। हालांकि अभी भी इसको एंडेमिक ही हम बोलेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल पर स्प्रेड हुआ, क्योंकि 100 केस ही रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो वर्ड यूज़ किया गया है कि एक्सपर्ट क्या इस पूरे सिनेरियो को लेकर बोलते हैं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि भाई पहली बात तो ये है कि जब ये टोमेटो जो हम बोलते हैं इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो रेड एंड पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं यानी बॉडी के ऊपर जो रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसी को वो सेप ले लेते हैं टोमेटो जैसी, तो इसको लेकर ये बोला गया। और अभी इसी चीज़ को एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई पहली बात ये अनसाइंटिफिक और मिसलीडिंग सी वर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है क्योंकि कि भी टोमेटो के कंजप्शन से होता है ऐसा नहीं है, टोमेटो के कंजप्शन इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये एक तरीके से कोज किया जाता है कोक्सा काई करके वायरस है, कोक्सा काई वायरस, और इसमें आपके स्किन पर स्पॉट हो सकते हैं, फ्यूर हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आता है जो चिकनगुनिया और डेंगू के जो सिम्टम्स है या उसमें जो फीवर वगैरह होते हैं वही चीज़ें इस पर भी नज़र आती है। तो ये वर्ड यूज़ किया गया टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू ये सही नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसके कोई लेना देना नहीं है टोमेटो से। इसके अलावा स्टेट में को क्या एडवाइजरी जारी करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें बताया गया कि भाई ये एक तरीके से इलनेस हो सकती है, क्लिनिकल वेरिएंट नज़र आता है हैंड फुट माउथ डिजीज का, और SARS-CoV-2 से कोई लेना देना नहीं है, मंकी पॉक्स डेंगू चिकनगुनिया इन सब से कोई लेना देना नहीं है, भले ही इनके सिम्टम्स सिमिलर नज़र आए लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है और मोस्टली स्कूल गोइंग बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा बताया गया कि भाई सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी इसमें कोई है नहीं, लेकिन टोमेटो फ्लू में फीवर रैशेज पेन ये सारी चीज़ें हो सकती है। इनके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि भाई सॉल्यूशन क्या है, एडवाइस किया जाता है कि 5 to 7 days आप एक तरीके से अपने आप को प्रिवेंट एक तरीके से आइसोलेट करें ताकि ये स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जा सके। और इसके अलावा पैरासीटामोल लिया जा सकता है फीवर के दौरान, और इसके अलावा न्यूट्रिशन रिच बैलेंस डाइट लिए ताकि इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सके। प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स आप इंटेक करिए, और हॉट वाटर स्पंज को आप जहाँ पर इरिटेशन है रेसिज है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि एक रिलीफ आपको मिले, तो इसको लेकर ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं केरला के बारे में, हमने कई बार देखा कि बहुत सारे डिजीज जो है वो भारत में केरला में शुरू हो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, जैसे अभी हम टोमेटो फ्लू की बात कर रहे हैं, टोमेटो फ्लू हो, इसके अलावा स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, इसके अलावा अगर हम देखते हैं COVID-19 हो। तो आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन है कि केरला डिजीज़ के लिए इतना प्रोन क्यों है, जहाँ पर डिजीज जो है या तो स्टार्ट होते हैं या फिर वहाँ से स्प्रेड करना शुरू करते हैं, इसमें क्या ऐसा रीज़न है। सेकेंड क्वेश्चन इसी के साथ अटैच करना यानी Part 2 है। Part 2 के अंदर कई बार हम देखते हैं ये वर्ड यूज़ होते हैं, एंडेमिक हो गया, इसके अलावा एपिडेमिक हो गया और पेंडेमिक हो गया, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन तीनों टर्म्स में मेजर डिफरेंस क्या है ये आप नीचे कमेंट करेंगे। 2 पार्ट में क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन।
इसके अलावा पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जापान के अंदर जा सकते हैं। जापान के अंदर एक स्टेट फनल होगा, जापान के जो फॉर्मर पीएम है शिंजो एबे उनको लेकर। और हालांकि इंडिया की तरफ से कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं हुई है, जापान की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर इस मंथ सितंबर के अंदर बहुत विशेष विजिट्स होने वाली है। पहली बात तो अगर हम देखते हैं सितंबर के अंदर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आएगी। बांग्लादेश एक क्रिटिकल और वनरेबल फेज के अंदर इस टाइम पे है क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क के अंदर जाएंगे, यूनाइटेड नेशन का सेशन होने वाला है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जापान के अंदर भी जाए। जापान के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जापान में पॉलिटिक्स और रिलीजियस सेरेमनीज को डिफरेंट रखा जाता है। रिलीजियस क्यों? क्योंकि फनल्स एक रिलीजियस सेरेमनी का पार्ट है, तो यहाँ पर बहुत रेयर होता है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो एक साथ होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक आइडल के बारे में डिस्कस किया गया इसी पेज पे नीचे कि चोल पीरियड की जो है एक आइडल उसको वापस इंडिया में लाने के लिए एक पेपर सबमिट करे गए हैं। और इसके अलावा ये बताया गया कि ये लगभग 900 ईयर एगो राजेंद्र चोल के द्वारा जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था उसमें से ये स्टॉल करी गई और उसके बाद ये यूएस के अंदर है, तो वहाँ पर एक पिटिशन या डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए कि वापस इसको लाया जाए। और ये बेसिकली नारी संवरा सिवान टेम्पल है वीरा चोलपुरम के अंदर जो कि विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट है, और अब इसको कला कुरीची डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा एरर हो सकता है, अगर साउथ इंडिया से कोई बिलोंग करता है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत डिफरेंस है, और ये लैंग्वेज और एक तरीके स्क्रिप्ट जो है उसकी वजह से डिफरेंस आपको नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज छोटी सी नज़र आती है, एक यूनिफाइड आईडी क्रिएट की जाएगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर आयुष्मान भारत के परस्पेक्टिव में। इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज को लेकर स्टेप लेंगे ताकि बेनिफिशरीज और के बीच में और स्टेक होल्डर के बीच में कोई कन्फ्यूजन न हो और ओवरऑल आपको बेनिफिट मिले इस पूरे सिनेरियो में। आयुष्मान भारत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 11 पर अगर हम बात करते हैं, पेज नंबर 11 पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत होनी चाहिए। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई वहाँ पर ये विजिट के लिए गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो मेन मीटिंग होती है उसके अलावा जो मीटिंग चलती रहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और 2023 में जब यूपीएससी प्री पूछेगा या अभी 2022 मेंस होगा तो पॉसिबिलिटी कि इसके बारे में हो क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि एक तो इसकी मेंबर स्टेट एक्सटेंड करने को लेकर डिस्कशन है कि अभी टोटल 8 कंट्री मेंबर है जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्री आएंगी। अगर हम बात करते हैं किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेन सॉरी ये नहीं है तुर्कमेनिस्तान नहीं है कजाकिस्तान, ये 4 कंट्री है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा रशिया चाइना है, और इंडिया पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस नई मेंबर कंट्री हो सकती है। ईरान में भी 2022-23 में ही शामिल हो जाए, और इसके अलावा बेलारूस ने भी अप्लीकेशन दी है कि भाई हम भी मेंबर कंट्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसी को लेकर डिस्कस किया गया, भारत ने कहा कि भाई 6 महीने से ज़्यादा वॉर हो चुका है, हम लोग इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और हम सपोर्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ को या फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को कि एक दोनों के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। भारत ने थैंक यू किया है कि भाई रशिया ने रिसेंट में जो एक टेररिस्ट जो है वो पकड़ा है जो अटैक करने वाला था इंडिया के अंदर। इनके अलावा अफगानिस्तान को लेकर बताया गया कि हम फुल सपोर्ट करते हैं पीसफुल सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान में ताकि इसकी सोवरनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी और नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इंटरनल अफेयर में, तो इसको लेकर हम फुल कमिटमेंट करते हैं या फुली हम इसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये समिट जो है डिफेंस मिनिस्टर की हुई थी उज्बेकिस्तान में, तो उज्बेकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक सी है,
तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आप देखेंगे ये अफगानिस्तान की बाउंड्री है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऊपर कजाकिस्तान की बाउंड्री है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रशियन टेरिटरी आ जाती है। इसके अलावा कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में छोटी सी आपको ब्लू कलर की जो वाटर बॉडी दिख रही है अरल सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन ब्रीफ में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मैं कहूँगा कि हाई पॉसिबिलिटी है इस तरह के सवाल पूछे जाने की। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में एक जो केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, पिगासस स्पाईवेयर को लेकर, और बेसिकली पिगासस एक स्पाईवेयर है जो इसराइल का है, और इसको लेकर भारत सरकार पर एलिगेशन लगे कि भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जर्नलिस्ट, पार्लियामेंट्रियन और प्रोमिनेंट सिटीजन्स के डेटा को या इस मालवेयर के थ्रू जो है उनके ऊपर नज़र रखी, एक तरीके से जासूसी करवाई। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करी, खुद की एक कमेटी बनाई, रिटायर्ड जस्टिस जो है जस्टिस RV रविंद्रन के नेतृत्व में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब क्योंकि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और फाइनली इसको लेकर अब आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि आज एक केस की सुनवाई होने वाली, तो क्या जजमेंट रहती है वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि रीजनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली लर्निंग को लेकर। आपने अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी तब उसके अंदर भी रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और ये बताया गया कि हमें खासकर अप टू 5th क्लास तक हमें लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। इसके राइट हैंड साइड में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि हमें फूड सिक्योरिटी कवरेज को एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2011 के कंपेयर में, 2013 में कानून बना था, 2011 में जो सेंसस हुए थे उसके बेस पर है, आज 2021 है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। इसमें बेसिकली क्या था कि तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप होगी, जैसे राइस हो गया आपको 3 रुपये किलो मिलेगा, वीट हो गया आपको 2 रुपये किलो मिलेगा, और जो मोटा अनाज है वो आपको 1 रुपये किलो मिलेगा, ये प्रोविज़न था। देश की अगर हम देखें तो 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर कवर थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सरकार ने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि 2021 का भी सेंसस हुआ ही नहीं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते कि अपने आप को डेटा को अपडेट कर दें जब तक सेंसस अपडेट नहीं है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू फूड है ना, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, और इसके लिए जो है वो सिटीजन क्लेम कर सकते हैं अगर वोलेशन होता, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया। इसके बाद ई श्रम पोर्टल के बारे में डिस्कस किया गया। ई श्रम पोर्टल बेसिकली यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेवलप किया गया है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। देश के अंदर 90% से ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 93% जो है वो मेंबर है। इस ई श्रम पोर्टल के थ्रू लगभग 400 ऑक्यूपेशन के अंदर, जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इवन आशा आंगनवाड़ी वर्कर है, ये अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 6 वीक के अंदर अंदर जो भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसको बुस्टअप करे और इसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तमिलनाडु के अंदर बहुत ही कम, 34.84% के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये अब तक का लोवेस्ट है। यहाँ पर आर्टिकल 21 के बारे में जो डिस्कस है, मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सटेंडेड सा आर्टिकल आपको नजर आएगा, और अगर आप एम लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 21 के बारे में डिटेल से बताया गया, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि 2024 तक देश के अंदर विंड प्रोजेक्ट जो है वो पीक पर होगा, और इसके अलावा आने वाले टाइम में हम लोग विंड सोलर हाइब्रिड इस तरह के प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। जानकारी ये आई है रिसेंट में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, और इसके अंदर बताया गया कि भाई 2024 तक ये पीक पर हो जाएगा। इसके अलावा देश ने टारगेट रखा कि 2030 तक हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिसमें 60 गीगावाट जो है वो हम करेंगे किसके थ्रू, एक तरीके से विंड पावर के थ्रू। अब तक केवल 40 गीगावाट हमने एनर्जी डिप्लॉय करी है या कैपेसिटी को जनरेट किया, एस्टेब्लिशमेंट किया है। कई सारी दिक्कत आई, एक तो सप्लाई चेन को लेकर दिक्कत आई, इसके अलावा हमने देखा कि भाई COVID-19 ने डिस्टर्ब किया। इसके अलावा क्योंकि विंड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको आपको
अच्छी खासी ज़मीन भी चाहिए और भी सस्ते रेट पर, तो ये एक प्रॉब्लम है। केवल कुछ ही स्टेट में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इसके रिस्ट्रिक्शन है। यानी विंड पावर कई बार क्या करता है, सोलर एनर्जी से भी ज़्यादा कॉस्टली नज़र आता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है। ये बताया गया कि कॉस्टली हो जाता है, तो इस परस्पेक्टिव में गुजरात और तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। अलग अलग राज्यों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक तरीके से लैंड अवेलेबिलिटी और सेकेंड जो है वो चीप रेट पर लैंड अवेलेबिलिटी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 13 वर्ल्ड अफेयर में अगर हम बात करें, नीचे बताया गया चाइना के अंदर कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से हम देखते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स का मतलब है कि लाइट ही नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी, गर्मी इतनी हो रही है, लगातार एयर कंडीशनर चल रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए अर्बन एरियाज़ के अंदर भी लाइट कट कर रही है। भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी कटेज या शॉर्टेज हुआ था, यानी दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं बहुत सारी रिवर जो है वो ड्राई हो रही है, जैसे यहाँ पर यांगजे रिवर के बारे में डिस्कस किया गया, या बहुत सारी रिवर पर जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स लगाए गए हैं उनके ऊपर, तो 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक वर्स्ट एग्जाम्पल है, और इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट चेंज को अगर सीरियस नहीं लिया गया तो ये क्लाइमेट चेंज हमको सीरियसली लेगा और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया यूनाइटेड स्टेट ने कैरी करी है कि एक एयर स्ट्राइक हम करेंगे सीरिया के अंदर, या एक तरीके से एयर स्ट्राइक करी है ईस्टर्न सीरिया के अंदर, ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये, जब हम बात करें सीरिया के बारे में तो आपको ज्योग्राफिकली लोकेट करना है सीरिया के बारे में, सीरिया की कैपिटल क्या है, सीरिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, और सीरिया के आसपास क्या कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या ज्योग्राफिकल प्लेस है, जैसे ओशियन है, सी है, या कोई स्ट्रेट है, इस तरह की चीज़ें अगर आसपास कोई गल्फ है वो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, जिसके साथ सीरिया की बाउंड्री लगती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली, लेकिन सीरिया के साथ उसकी बाउंड्री अटैच होनी चाहिए। इसके बाद जीएसटी के बारे में बताया गया कि जीएसटी से रेवेन्यू जो स्टेट का इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और ओवरऑल ये 7 से 9% की ग्रोथ हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2022 में जो 5 साल का कंपनसेशन प्रोविज़न था वो ख़त्म हो चुका है, और ये स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बेटर कंप्लाइंस लेवल इंक्रीज करेगा, हाइयर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, और एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्टअप करेगा, स्टेट रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थी टैक्स बैलेंसी जो है ये इम्प्रूवमेंट करेगी, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ को और दूसरा जीएसटी कलेक्शन को, और तीसरा क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन करेगी तो वह स्वाभाविक सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को डिवोल्यूशन भी करेगी। डिवोल्यूशन का मतलब होता है जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है कि कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है, ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। अप्रोक्सीमेटली अभी 41% के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 41 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर आता है, स्टेट के अंदर नहीं है, तो उसमें 1% पहले वाले से कम कर दी गई है। तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही, थैंक यू ऑल, जय हिंद।